नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि Google Forms का यूज क्विज बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाइए, उसके बाद आप अपने सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए Google Forms। सबसे पहले जो ऑप्शन आए Google Forms का, उसको ओपन कीजिए, फिर ये आपके पास स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद गो टू गूगल फॉर्म्स में जाइए, उसके बाद आपके सामने सबसे ऊपर नजर आएंगे ब्लैंक और उसके अलावा आपको कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर आपके पास एक टेम्पलेट गैलरी देता है गूगल, जिसमें आपके पास कुछ पहले से बने हुए गूगल फॉर्म्स जो है अवेलेबल होते हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप उनमें से भी कोई चाहे तो यूज कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, कोर्स इवेलुएशन, वर्क रिक्वेस्ट, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, पार्टी इनवाइट, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक नया बनाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे शुरुआत में ऑप्शन होता है ब्लैंक का, उस पर क्लिक कीजिए, आपके पास एक नया गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आज हम इससे पहले एक वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि गूगल फॉर्म को यूज कैसे करना, बेसिक्स उसके शेयर कैसे करना है, क्या क्या आप एनिमेशन एडिट कर सकते हैं और उसको शेयर कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, उसका वीडियो हम एक बार बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्विज पर फॉर्म में कैसे गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स है, उसके अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज। इसमें क्विज पर जाइए, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा मेक दिस अस क्विज, इसको कर दीजिए आप ओपन। अब क्विज बनाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे कि रिलीज ग्रेड। जब आप किसी को क्विज सेंड करेंगे और वो रिप्लाई कर देगा तो उसका उनको आंसर कब मिले, वो कब चेक कर पाए कि उन्होंने सही किया गलत किया या फिर कौन सा आंसर सही था गलत था। इसमें दो ऑप्शन है, इमीडिएटली आफ्टर इट सबमिशन, जैसे कोई भी आपका क्विज सबमिट करेगा उसको तुरंत से वो चेक कर पाएगा कि कौन सा आंसर सही था और उसको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आप इसके जगह लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले सब लोग सबमिट कर दें और उसके बाद उसको अवेलेबल करें, तो उसके लिए ये इसमें अभी हम इमीडिएटली आफ्टर इट सबमिशन रखते हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स कैन सी, क्या क्या देख सकते हैं कि उनके करेक्ट आंसर कौन से हैं, पॉइंट वैल्यूज कौन सी हैं, इस तरह की चीजें देख सकते हैं। यहां से आप कर दीजिए सेव। अब आपका गूगल फॉर्म जो है वो एक क्विज की फॉर्म में बदल चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, क्वेश्चंस जहाँ पर हमें सारी चीजें बनानी है, फिर रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्स आएंगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और उसके बराबर में टोटल पॉइंट, आप कितने पॉइंट का क्वेश्चन पेपर बना चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये अभी ईमेल एड्रेस मांग रहा है, इसकी सेटिंग में हम पिछली बार देख चुके हैं कि वो ईमेल एड्रेस चाहे या ना चाहे। सेटिंग में जाकर जनरल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कलेक्ट ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, उसको आप टर्न ऑफ कर देंगे तो फिर वो ईमेल एड्रेस नहीं मांगेगा। अभी हट कर सबसे पहले आप अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह क्विज बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्विज बनाते हैं मैथमेटिक्स क्विज, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए जो भी आप लिखना चाहें अपने क्विज के बारे में। इस तरह से उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए, आप डाल सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास, हम डालते हैं 2+5। अब आपका जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आए, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट आंसर, अगर आप चाहते हैं बच्चों आंसर दे सीधा 7 तो आप शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एमसीक्यू ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन दीजिए जो आप ऑप्शंस देना चाहते हैं, फिर एंटर क्लिक कीजिए, उसके बाद में जितने ऑप्शंस आप चाहें उतने दे सकते हैं। क्वेश्चन के साथ और ऑप्शंस के साथ अगर आप फोटो अटैच करना चाहते हैं तो उसके राइट साइड में इमेज का ऑप्शन क्लिक रहता है, आप उस पे से क्लिक करके अपनी इमेज इंसर्ट कर चुके हैं, इसकी डिटेल्स भी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब उसके बाद अब आप चाहते हैं कि उसकी आंसर की कैसे बनानी है, कितने उसको मार्क्स देने हैं। अब फिर आप यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर की, आप आंसर की पर क्लिक कीजिए, आप बताइए सही आंसर कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है 7। ये क्वेश्चन आप कितने मार्क्स का देना चाहते हैं वो आप यहाँ से, जब आपने आंसर की पर क्लिक किया वहाँ से दे सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को चाहता हूँ 1 मार्क्स का, तो मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए 1। अब एड आंसर फीडबैक, जब बच्चा सही या गलत आंसर दे तो उसको कैसा रिस्पॉन्स आए। इनकरेक्ट आंसर के लिए आप लिख सकते हैं
योर आंसर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 7, या इससे रिलेटेड आप और कुछ भी चीज़ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और अगर बच्चा करेक्ट आंसर दे तो उसको क्या फीडबैक जाए, आप जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। अगर आप करेक्ट या रॉन्ग आंसर से रिलेटेड कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आंसर को तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। अभी आपके पास में क्वेश्चन एक हमारे पास में तैयार हो गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर का फीडबैक है, रॉन्ग आंसर का फीडबैक है, और करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी टिक हो गया है, और कितने पॉइंट का है वो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से जाकर एडिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के एंड में आप बॉटम राइट में डन है उसको क्लिक कर दीजिए और ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपके पास राइट साइड में जो पॉपअप है वहाँ पर प्लस का साइन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में नया क्वेश्चन खुल जाएगा और इसको इसी तरह से आप बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप एक नया सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल डिटेल के लिए चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, आप उसी के अंदर अलग से सेक्शंस बनाना चाहते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के, एमसीक्यू के लिए, तो आप यहां से आपके पास में ऑप्शन आता है कि राइट साइड में ऐड सेक्शन का, यानी कि आप एक सेक्शन नया बना सकते हैं सबके लिए अलग अलग। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके दो अलग अलग सेक्शंस बन जाएंगे। अब और कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड का साइन है, रिक्वायर्ड का साइन कर देंगे तो वो क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है, उसको कंप्लीट किए बिना जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडर है वो उसको आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, ये हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर है शफल ऑप्शन ऑर्डर। आपके पास जो ऑप्शन है, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने 8, 7, 10 और 6 लिखा है, आप चाहते हैं हर बार जब भी कोई नया बच्चा खोले तो जो आंसर है वो शफल हो जाए उनका ऑर्डर, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं और सेक्शन बेस्ड आंसर अगर आप बनाना चाहते हो तो भी यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो क्विज है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पहले से कोई क्विज बनाया हुआ है और आप उसके क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप अगर एडिटिंग करना चाहते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अंदर ऐड इमेज भी कर सकते हैं। मैं एक ऑप्शन आपको बना कर देता हूँ इमेज कैसे ऐड होगी। ऐड इमेज पर क्लिक कीजिए। ऐड इमेज के बाद आपके पास वो कुछ ऑप्शन देता है, आप अपने कंप्यूटर से या फोन से इसको ऐड करना चाहते हैं, कैमरा से अभी क्लिक करना चाहते हैं, कोई फोटो या फिर गूगल ड्राइव से करना चाहते हैं, या फिर आप अभी गूगल पर इंटरनेट से इमेज सर्च करके वो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जिस चीज़ की इमेज आप सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कीजिए, एंटर पर क्लिक कीजिए, आपके पास बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, उनमें से जो भी आपको पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बॉटम राइट में इंसर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो फिर क्या होगा आपकी जो वो है वो हो जाएगी, आपने यहाँ पर एक इमेज क्लिक कर दी। आप अपने क्विज के बीच में कोई इमेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन आंसर के साथ भी कोई इमेज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज का टाइटल डाल देते हैं मैथमेटिक्स नंबर्स, इस तरह से आपने क्विज कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप इसकी थीम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज थीम का ऑप्शन आता है, आप इसकी थीम्स चेंज कर सकते हैं, इसका कलर्स, बैकग्राउंड, इमेज डालना चाहते हैं वो आप बड़े आराम से इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं। ये देखिए हम इसका हेडर में इमेज चूज करके डालते हैं कैसे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, इनमें से कोई सी भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं हमारे पास में, इसमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो डाल सकते हैं। ये हम इसमें से एक ले लेते हैं और ये वाले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। अभी जो इमेज हमने हेडर में डाली है वो कहाँ पर अपलोड होगी वो देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपका क्विज कोई खोलेगा उसको ऐसे ऊपर एक इमेज अच्छी नज़र आएगी, इससे आपका जो क्विज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और इनोवेटिव लगेगा, आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई जो मेरा फॉर्म फिल करेगा क्विज उसको कैसा नजर आएगा तो आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। साथ में टैब ओपन होगी और जो आपके रिस्पोंडर्स होंगे उनको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपका क्विज, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू कैसा है। इसको वापस से कट करेंगे, हम अपने वापस गूगल फॉर्म में आएंगे। अब बात करते हैं, अब जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज कैसे चेक करने हैं, इसके रिस्पॉन्सेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपके पास जो रिस्पॉन्स लोगों ने फील कर दिए होंगे वह यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने रिस्पॉन्सेज हैं, यहाँ पर 0 रिस्पॉन्सेज हैं अभी। अगर जैसे जैसे लोग उसको सबमिट करते चले जाएंगे आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आते चले जाएंगे कि किस किसने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है किस टाइम पर।
अगर उन सारे रिस्पॉन्स को आप एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सेल शीट का ऑप्शन होता है क्रिएट स्प्रेडशीट, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्रिएट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर इसी क्विज के लिए आपने पहले से स्प्रेडशीट बनाई हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो आपके नए रिस्पॉन्स होंगे उनको आप वापस से उसी के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट का क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक नई स्प्रेडशीट आपके साथ में ये बन जाएगी, जहाँ पर आपके सारे रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे, आप उनको आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आपको टोटल पॉइंट्स, हमने एक क्वेश्चन बनाया था उस पर एक मार्क्स दिया था, तो आपके पास यहाँ पर वन मार्क्स आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसको सेंड कैसे करेंगे, यहाँ पर सेंड का बटन है, सेंड के बटन पर क्लिक कीजिए आप। सेंड के बटन में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, पहला ईमेल होता है, आप जिसे ईमेल करना चाहते हैं वहाँ पर उसकी ईमेल आईडी लिख दीजिए, जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके पास आपका ईमेल चला जाएगा, इस लिंक के साथ वो इसको ओपन करेंगे तो इसका रिप्लाई जो है इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट वो पहले से फिल करेगा जो आपने टाइटल डाला है, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज क्या जाए ईमेल के साथ वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप चलाने के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल के बराबर में ऑप्शन आता है लिंक का, लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शॉर्टन यूआरएल, ताकि आपका यूआरएल छोटा हो जाए, देखने में थोड़ा ठीक लगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यूआरएल आ जाएगा, इस यूआरएल को यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या जिसके थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के थ्रू आप ही शेयर करना चाहते हैं, इस यूआरएल को वहाँ पर पेस्ट कीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए ताकि उसका पॉपअप ऑन हो जाए और उसके बाद उसको सेंड कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।